पीआर फैमिली ने तकरीबन 15 से 16 लाख रुपीज विन किए। 3 मैच हमने कवर किए थे, तीनों का तीनों क्लीन स्वीप। सिर्फ क्लीन स्वीप नहीं, पहला द ब्लेज वर्सेस यहाँ पे सदर्न वेपर्स के बीच मुकाबला खेला गया था, उसमें भी मिनी जीएल रैंक वन, जीएल रैंक वन। उसके अलावा नीदरलैंड स्कॉटलैंड मिनी जीएल एक रैंक और जीएल एक 3-7-3 रैंक हमारे फैमिली से आई थी। आईपीएल वन साइडेड क्लीन स्वीप। अभी जिस मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं वो खेला जाएगा इंग्लैंड ओमेन वर्सेस पाकिस्तान ओमेन के बीच में, तीसरा T20 का मुकाबला, जो कि पीआर फैमिली वन साइडेड क्लीन स्वीप करने वाली है। मैच को लेकर बात कर लेंगे, मुकाबला हेडिंगले स्टेडियम लीड्स में खेला जाएगा शाम के 5:30 में। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे पहले गेंदबाजी इंग्लैंड ओमेन कर ले, इन्वेस्टमेंट आपको चेप के करनी है, मिनी जीएल जीएल मैं आपको दिलवाऊंगा। अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करनी है, ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में लेकर चलने हैं। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी का भी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए मैच को लेके बात कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे वेन्यू को लेके। हेडिंग्ले का जो विकेट होता है नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर बनता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे तो आप आराम से 150 के आसपास का टारगेट देख सकते हो। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे तो 110 के आसपास का एवरेज स्कोर यहाँ पे 120-140 के बीच में होता है। अगर हम बात कर लेंगे हाइस्ट टोटल को लेके, तो यहाँ पे हाइस्ट टोटल आपको 144 का देखने को मिल जाएगा, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 108 देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे वेन्यू ओमन्स T20 स्टेट्स को लेके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा द 100 के मुकाबले अच्छे खासे खेले गए, जहाँ पे टोटल मैच खेले गए थे 4, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 3, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 1 मुकाबला। अगर हम ओमन्स 100 को लेकर बात कर ले स्कोरिंग पैटर्न का, तो 4 ऐसे मुकाबला हुआ था जहां पे 150 से नीचे स्कोर बना था, तो द 100 को ही मैंने यहां पे कंसीडर किया, ध्यान रखिएगा। और कुछ वैसा ही आपको विकेट यहां पे देखने को मिल जाएगा। रिसेंट मैच को लेके बात कर लेंगे तो द 100 का ही मुकाबला खेला गया था 22 अगस्त 2023 को, जहां पे NSW पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर लगाई थी 100 बॉल में 144 रन 4 विकेट नुकसान पे, जवाब में WF ओमेन पहले चेस करते हुए 128 पे सिमट गई थी, पहले नहीं सेकंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 2, सेकंड इनिंग पेसर 6 स्पिनर 1 विकेट। इससे पहले देखोगे NSW फिर से 133 पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाई थी 5 विकेट नुकसान पे 100 बॉल में, जवाब में MOW 108 रन लगाई थी 7 विकेट नुकसान पे, 80 बॉल में रन बाधित मुकाबला हुआ था। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 2, सेकंड इनिंग पेसर 4 स्पिनर 2 विकेट। अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेज स्पिन लास्ट कितनी जो है ओमेन्स 100 में, तो पेसर्स को मिले 18 विकेट, स्पिनर के खाते में गए 12 विकेट। अब आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड को लेके। दोनों टीम आमने सामने आई हैं 17 बार, 16 दफा जीती है इंग्लैंड ओमेन, 1 बार जीती है पाकिस्तान ओमेन। अगर हम बात करेंगे इंग्लैंड ओमेन की लास्ट 5 T20 मैच को लेके, विन 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 लॉस करके आ रही है, वहीं पाकिस्तान ओमेन लॉस 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 विन लॉस करके आ रही हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, आप लोग मैं बता दूं लास्ट मैच में आखिर हुआ क्या था। तो लास्ट मैच थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पीआर फैमिली के लिए गया था। फर्स्ट T20 वन साइडेड क्लीन स्वीप, सेकंड T20 हमने जो प्रेडिक्ट किया उसके अगेंस्ट गया था मैच, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ तीसरा T20 में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे एम्बुचर 30 की थी, रन आउट हो गई थी, डेनियल वाइट 6, एलएस कैप्सी 31, 2 ओवर गेंदबाजी भी की थी, नेटाली सीवे ब्रंट 31, ध्यान रखिएगा गेंदबाजी फिलहाल फिट नहीं है, हैदर नेट 4, एमी जोन्स 15, डी गिब्सन 18 और एग्लिस्टन की थी 7 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे पाकिस्तान ओमेन से, वहीदा अख्तर 3 ओवर 31 रन 1 विकेट, डियाना वैग 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, साजिया इकबाल 4 में 20 रन 1 विकेट, फातिमा साना 2 में 10, एन संधु 3 में 24 रन 0 विकेट, निदा दार 4 ओवर 33 रन 2 विकेट। बात करेंगे पाकिस्तान ओमेन का, तो हमेशा की तरह गुलफिरोजा 3, अमीन 11, सदाफ यहाँ पे 0 की थी, मुनीबा अली 12, निदादार 1, आलिया रियाज 19 और फातिमा साना 8, डियाना वैग 0। गेंदबाजी में इंग्लैंड ओमेन से एल बेल 3 में 20 रन 2 विकेट, सीडिन 3 ओवर 16 रन 0 विकेट, एक्लिस्टन 2 ओवर 5 गेंद 11 रन 3 विकेट, सारा ग्लेन 3 ओवर 10 रन 2 विकेट, उसके अलावा डी गिब्सन 2 में 16 रन 0 विकेट, एलएस कैप्सी 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान ओमेन का। तो ये टीम कुछ भी अपनी प्लेइंग 11 में फेरबदल कर सकती है।
ऑलरेडी सीरीज हार चुकी है, तो ध्यान रखिएगा ये फेरबदल के चांसेस अच्छे खासे हैं, जहां पे ओपनर गुल फिरोजा के साथ आपको दिखेंगे सिद्धर अमीन, मुनिवाली का बैटिंग थोड़ा नीचे गया है अभी, फिर सदफ का ऊपर गया है, निदादार आलिया रियाज, फातिमा सराना, एनसंदू, दियाना बैग, डब्लू अख्तर और सादिया इकबाल। गेंदबाजी में मुझे लगता है सादिया का चार, संधु का चार, निदादार का चार, ऑलमोस्ट ये 12 ओवर कंफर्म मान के चलिए, कभी कभी इनका कम हो जाता है। रीजन ऑफ ब्रेक गेंदबाज है और सामने लेफ्टी नहीं है तो इनका ओवर कभी कभी कटेगा ही। देन आफ्टर दियाना बैग, डब्लू अख्तर और फातिमा सना, ये तीन मिल के 8 से मतलब ये 12 और 8 से लेकर 9 ओवर मान के चलो, कभी किसी का एक आध ओवर शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे तो गिल फिरोजा हेड टू हेड दो मुकाबला 20 रन रिसेंटली 3, 17, 4, 21 पे नबाद 14। सिद्धर अमीन हेड टू हेड 6 मैच में 41 रन रिसेंटली 11, 9, 48, 15, 63। मुनिवाली हेड टू हेड 6 मैच में 45 रन रिसेंटली 18, 10, 25, 8, 12। गेन आफ्टर आपको दिख जाएंगी सदब समस, इनको लेके बात कर लेंगे हेड टू हेड 3 मैच में से 35 रन रिसेंटली 0, 35, 10, 9, 10। निदादार हेड टू हेड 15 मैच में 130 रन और 19 विकेट रिसेंटली 1 रन 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 3 विकेट, 17 रन 1 विकेट। फिर आपको यहां पे दिख जाएंगी आलिया रियाज हेड टू हेड 5 मैच में 86 रन, बल्लेबाजी में आप इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा सकते हो क्योंकि ये प्लेयर के पास पोटेंशियल अच्छा खासा है। रिसेंटली 19, 1, 8, 12, 36 रन 0 विकेट। देन आफ्टर आपको दिख जाएंगी इनकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है फातिमा साना के ऊपर, लेकिन इनका भी रिसेंट फॉर्म जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। हेड टू हेड 4 मैच 40 रन 2 विकेट रिसेंटली 8 रन 0 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। एन संधु हेड टू हेड 2 मैच में 0 विकेट रिसेंटली 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। दियाना बैग हेड टू हेड 5 मैच में 4 विकेट रिसेंटली 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। फिर आपको नीचे से दिख जाएंगी वहीदा अख्तर अच्छी स्पेल डाल रही है, हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। सादिया इकबाल हेड टू हेड 4 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे नहीं खेली है रिसेंटली 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग हाउस को लेके, आपको दिखेंगे फातिमा साना, सादिया इकबाल, दियाना बैग और वहीदा अख्तर। डेथ में फातिमा साना, सादिया इकबाल, निदादार और कभी कभी दियाना बैग भी, ठीक है, एज एन आपको दिख सकते हैं इंपैक्ट नहीं। यहाँ पे आपको बेंच पे दिखेंगी एनएलवी, एन परवेश, तुबा हसन, ऐसा जफर, यू हनी और रमीन समीम, यहां से कोई भी खेल सकती है। रीजन ये ऑलरेडी सीरीज आ चुकी है तो कुछ भी यहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड ओमैन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये भी टीम कुछ भी अपने प्लेइंग 11 में फेरबदल कर सकती है। अगर हम बात कर लेंगे यहां पे तो अपने करते दिख जाएंगे एम बूचर, डेनियल वाइट, कैप्सी, नटाली सीवियर, हैदर नेट, एमी जोन्स की जगह पर यह टीम बी हेथ को भी खिलवा सकती है। फिर आपको दिख जाएंगे डेनी डी गिब्सन, उसके अलावा सी डीन, सारा ग्लेन, एक्लिस्टन और एल बेल। गेंदबाजी में इनके तरफ से मान के चलो एल बेल, एक्लिस्टन, सारा ग्लेन, सी डीन और डी गिब्सन। 20 ओवर का स्पेल डालना चाहिए लेकिन यहाँ पे डी गिब्सन और एल बेल का एक एक ओवर कम होके वो स्पेल जा सकता है एलएस कैप्सी के खाते में। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर पाकिस्तान ओमैन जाती है पहले गेंदबाजी करने के लिए तब तो इनकी जो नंबर 3 के बाद वाले बल्लेबाज होंगे वो गेम में आएंगी। अगर पाकिस्तान ओमैन पहले बल्लेबाजी कर लेती है तो 100 रन में मुझे लगता है कि कैप्सी, डी वाइट और एम बूचर ही 70-75 के आसपास लेके चले जाएंगी, उसके बाद वाले बल्लेबाज के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। फिलहाल देखिएगा एम बूचर हेड टू हेड 2 मैच में 34 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 12 रन रिसेंटली 30, 4, 34, 26, 33। डेनियल वाइट हेड टू हेड 16 मैच में 277 रन, 20 का एवरेज, वेन्यू पे 1 मैच में 0 रन रिसेंटली 6, 1, 11, 4, 2। एलएस कप्सी हेड टू हेड 3 मैच 42 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 21 रन 3 विकेट रिसेंटली 31 रन 2 विकेट, 5, 6 रन 0 विकेट, 0 और 25 करके आ रही है। फिर आपको दिख जाएंगे नेट सीबीएफ ब्रंट, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज लेकिन दिक्कत इनके साथ ही है, ये गेंदबाजी नहीं करने वाली है अभी तक जो मेरे पास न्यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो जब ये गेंदबाजी नहीं करेंगी तो पहले बल्लेबाजी में बैक कर सकते हो, सेकंड बल्लेबाजी में शायद इन तक मैच ज्यादा पहुंचे ही ना। इनका देखिएगा हेड टू हेड 11 मैच में 260 रन 33 का एवरेज है, गेंदबाजी नहीं करेंगी मोस्ट प्रोबेबली, वेन्यू पे 1 मैच 24 रन 2 विकेट रिसेंटली 31, 27 रन 1 विकेट, 2 रन 3 विकेट, 12 रन 1 विकेट, 31 रन 2 विकेट। हैदर नेट हेड टू हेड 10 मैच में 225 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 7 रन रिसेंटली 4, 49, 62, 31 और 37। एमी जोन्स हेड टू हेड 12 मैच में 296 रन 30 का एवरेज, वेन्यू पे 5 मैच में 62 रन 12 का एवरेज रिसेंटली 15, 37, 50, 49, 92 करके आ रही हैं। फिर इनकी स्टार्ट होती है गेंदबाजी कोटा,
जहां पे डी गिब्सन काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। फिलहाल तो बल्लेबाजी से दे रही हेड टू हेड दो मैच में 58 रन 0 विकेट, वेन्यू पे एक मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 18 रन 0 विकेट, 41 रन 0 विकेट, 51 रन 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट और 3 विकेट। सीडीन हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे एक मैच 5 रन 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 1 विकेट, 3 रन 1 विकेट, 29 रन 4 विकेट और 1 विकेट। सारा ग्लेन हेड टू हेड 7 मैच में 14 बहुमूल्य विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे सॉफी एक्लिस्टन, किसी भी टीम को नहीं छोड़ती है, तो पाकिस्तान कौन सी बड़ी बात है। हेड टू हेड 9 मैच में 16 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच 53 रन 4 विकेट, रिसेंटली 7 रन 3 विकेट, 19 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 3 विकेट, 24 रन 3 विकेट। एल बेल हेड टू हेड 2 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, स्टार्टिंग ओवर्स आपको डालते दिखेंगे एल बेल, सी डीन और सॉफी एक्लिस्टन। डेथ में एल बेल, डी गिब्सन और एल एस्केप्सी या फिर एक्लिस्टन, इनके अलावा मुझे लगता है ये टीम जम के इस मैच में बेंच का यूज करेंगी, जहां पे बी हेथ, एल फाइलर और लिंसे स्मिथ खेल सकती है। एफ कैंप आई थिंक मुझे लगता नहीं खेलेंगी, क्योंकि ये जो है अभी T20 जो इनका खेला जा रहा है डोमेस्टिक कैंप वहां पे अवेलेबल थी, तो आई थिंक ये नहीं खेलेंगी। बाकी तीनों में से किसी को भी मौका मिल सकता है। अगर बी हेथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वेन्यू पे 12 मैच में 143 की है, रिसेंटली 63-17-5-13 डू नॉट बैट। एल फाइलर काफी पेसर, मतलब कहते हैं ना कि हिट द डेक वाली गेंदबाज है, पेस को अगर पाकिस्तान में नहीं समझती है गुच्छे में विकेट देकर जाएंगी, रिसेंटली 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। लिंसे स्मिथ ये खेलेंगी तो मेरे टीम में मस्ट पिक होंगी, पेंडिंग पे 15 मैच 17 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। अब आइए हम फाइनली बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा अभी जो हम देखेंगे वो महज हमारी डेमो टीम होंगी, फाइनल टीम में कुछ ना कुछ बदलाव तो होने हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। फिलहाल जो मेरी फैंटेसी की टीम है देखिएगा, मैंने विकेट के पीछे जोन्स के लिए, बैटिंग से डी वाइट एम बूचर को लिए, ऑलराउंडर से नटाली सीबिया ब्रंट निदादा डी गिब्सन को लिए, देन आफ्टर कैप्टी सी डीन हमारी टीम में होंगी, बॉलिंग से एक्लिस्टन, सारा ग्लेन और एल बेल को मैंने अपने टीम में जगह दिया है। ये तो हमारी स्मॉल लीग की टीम है, जहां पे कैप्टन मैंने एक्लिस्टन, बीसी मैंने सीडीन को दिया है। इनके अलावा कैप्टन आप जो भी जीएल खेलना सभी में एक्लिस्टन को दे देना, रीजन 75 पॉइंट ये देंगी ही, ये आप कंफर्म मान के चलो। इनके अलावा बीसी सीडीन एक में देना, दूसरा में सारा ग्लेन, तीसरा में बीएल, चौथा में गिब्सन, पांचवें में निदादा, छठे में कैप्सी, ये 6 टीम के साथ आप लोग को मिनी जीएल जीएल जरूर कर लें रिस्क देकर। इंग्लैंड अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो डी वाइट, एम बुचर, नटाली सीबिया ब्रंट, इन तीन में से भी किसी को आप इसी देखे जा सकते हो अपने दिन, तीनों के पास पोटेंशियल है 80-85-90 में डील करने का। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल स्पेशली इस मैच में जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।